नमस्कार। आज का विषय है मानवीय एकता। वर्तमान समय में कहीं न कहीं मानवीय एकता का हनन हुआ है। समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जो लोग मानवीय एकता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं वे मुख्य रूप से समूह की राजनीति से प्रेरित होते हैं। वास्तव में यह कीटाणुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। यह धीरे धीरे मानव मन की विभिन्न विशेषताओं का संपूर्ण विनाश लाता है। ठीक स्वाद, सादगी, सेवा की भावना आदि, इसमें पार्टी स्टंप व्यक्तिगत क्षमता से अधिक मूल्यवान है। राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा नहीं बल्कि स्वयं की सेवा है, कल्याण नहीं बल्कि मंत्रालय है। राजनीति कलाबाजी का प्रदर्शन करने के लिए, बड़े पैमाने पर धोखा देने के लिए, ये सभी उनके साथ बहुत आम है। खुद को बदलने की कोशिश किए बिना ही वे सब अपनी वाकपटुता से ही करना चाहते हैं। जनता की गहन समझ के साथ वे उन्हें एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए उसकाते हैं और आत्म प्रशंसा से वे सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं। लोगों को उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन के हर पहलू या धार्मिक जीवन, शिक्षा, साहित्यिक क्षेत्रों आदि में अपनी नाक को टटोलना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल व्याख्यान मंच से उच्च धनी वाले शब्द बोलकर ज्ञान और दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। इन उच्च धनी वाले शब्दों के आधार पर वे सत्ता को खरीद के कारण गुमनामी में रहना चाहते हैं।